वक्त का काफी हिस्सा गुजर चुका है, बहुत थोड़ा सा वक्त बचा हुआ, बहुत ज्यादा वक्त तो बचा हुआ नहीं है, बचा हुआ है, बहुत बचा है। क्या कितना बजे तक सुन सकते हैं आप लोग? 6 बजे तक फजर के पड़ेगा। अच्छा 6 बजे तक सुनते रहिएगा तो फजर पढ़ने के लिए कौन आदिवासी लोग आएगा? ख्याल है बहुत कम बचा हुआ। और मकसद क्या है, किस मौके से है, तीजा है? अरे बोले हमारे तीजा है, ये 40वें के मौके पर हो। अगर तीजा हो, 40वां हो, 6 माही हो, सालाना हो, जिसे वर्षी कहते हैं, नाम अलग अलग है, काम एक ही होता है। अच्छा तीजा में इसाले सवाब के महफिल तीजे में 3 दिन में जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अरे बोले भाई क्या बोलते हैं? तीजा बोलते हैं। 10 दिन में कोई करता है इसाले सवाब, कोई 20वां करता है, कोई 40वां करता है, कोई 6 माही करता है, कोई बरसी करता है। हर एक में जिक्र मिलाद कुरान खानी है, मिलाद शरीफ है, नात है, मनकबत है, तिलावत है, वगैरह वगैरह नेक काम करता है। मकसद क्या होता है इसाले सवाब? काम वही होता है, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो नाम अलग आने से कोई मतलब, कोई कहता है कि कहां कुरान में लिखा है तीजा, 40वां 10वां 20वां वगैरह वगैरह। अरे ये नहीं लिखा है, ये साले सवाब लिखा है कि नहीं लिखा है? बोला वो तो लिखल है। हम बोला तभी तीजा में ये साले सवाब होता है, वो कोनो और कुछ नहीं होता है, नाम अलग अलग है। अच्छा एक चीज ये बताइए, जोहर की नमाज, जोहर की नमाज जानते हैं क्या बजे पढ़ते हैं? जोहर समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जो 8 बजे रात में ईशा में पढ़ते हैं, जोहर जोहर में नमाज पढ़ते हैं, उसमें रुकू है, जोहर की नमाज में रुकू है, सजदा है, कयाम है, कऊद है। असर की नमाज हो उसमें भी रुकू है, सजदा है, कयाम है, कऊद है वगैरह। मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, सब तो नमाज है ना भाई, लेकिन नाम अलग अलग है। नाम अलग है, सब नमाज है लेकिन नाम अलग है। दिन में पढ़िए दोपहर के बाद तो उसको क्या बोलते हैं? जोहर बोल रहे हैं। सूरज ढल जाए, सूरज डूबने से पहले अगर पढ़िए तो उसको क्या बोलते हैं? असर बोलते हैं। सूरज डूबने के बाद फौरन पढ़िए तो उसको क्या बोलते हैं? फजर। अच्छा मगरिब बोलते हैं। फिर रात का कुछ ही हिस्सा, घंटा डेढ़ घंटा गुजरा था, फिर नमाज पढ़ते तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? सूरज निकलने से पहले, रात जाने के बाद, सूरज आने से पहले जो नमाज पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? अरे सब तो नमाज ही है, नमाजें हैं सब लोग। अरे बोले भाई सब नमाज है लेकिन नाम अलग अलग है, काम एक है, अल्लाह की इबादत, काम एक है ना भाई। अच्छा एक चीज इसी तरह, अभी आप लोग रात में खाना खाए होंगे? नहीं खाए हैं? पीछे वाले लोग सो रहे हैं, सो रहे हैं, थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं? अच्छा नहीं नहीं सो नहीं रहे, जाग रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। अभी रात में आप लोग खाना खाए होंगे? अरे बोले भाई रात में खाना खाए कि नहीं? उस रात के खाना को क्या कहते हैं? कौन सा खाना कहते हैं? हाँ हाँ चलिए, अभी तो हजरत बता ही रहे थे कि आपकी मादरी जुबान मुझे बहुत प्यारी है, प्यारी है तबे तो प्यारी है। उसको रात के खाने को क्या बोलते हैं? दोपहर में खाते उसको क्या बोलते हैं? और सुबह सुबह जो उसको क्या बोलते हैं? कोई उसको क्या बोलता है? नाश्ता। अरे बोलता है ना, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? और दोपहर में खाते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और रात में जो खाते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाम अलग अलग,
अपनी अपनी जुबान है। सुबह में भी जो खाते हैं उसको बोलते हैं नाश्ता, कोई बोलता है अपनी जुबान में तलवा हो गया। अब जो समझ रहे थे कि इतना वक्त ही हो गया कि कभी भी एक्सीडेंट हो गया, और वही सुबह के नाश्ते को क्या बोलते हैं? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ अपनी जुबान में उसको बोलते हैं जल जल। अजीब है, हमारी जुबान ही ऐसी है जो किसी जुबान को थोड़ा नहीं है। इसी जुबान में हमारी मादरी जुबान में फारसी भी है, हमारी मादरी जुबान में अरबी भी है, हमारी मादरी जुबान में उर्दू माशाल्लाह, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, बहुत कुछ है। अब ये देखिए बात एक ही है, सुबह खाते हैं तो वो भी पेट में जाता है कि नाश्ता आधे दूर में रह जाता है, वो भी पेट तक जाता है, वो भी खाना। उसके मकसद ये है कि पेट भरना। दोपहर का खाना है नाम अलग है, मकसद ये है कि पेट भरा जाए। रात का खाना है नाम अलग है, मकसद ये है कि पेट भरा जाए। ये तीनों का नाम अलग अलग है, लेकिन तीनों का तीनों को खाना ही कहते हैं। और खाने के बाद मकसद ये होता है कि पेट भरा जाए। ए लोगों, कभी कोई पीजा करता है, कभी कोई दसवां करता है, कभी बीसवां करता है, कोई चालीसवां करता है, कोई शशमाही करता है, कोई परसी करता है। अरे नाम अलग अलग होता है, मकसद क्या होता है कि हमारे मुर्दे को सवाब पहुंचे। कोई कुरान की तिलावत है, कुरान की तिलावत है, जिक्रे खैर है, दाते मुस्तफा है, तिलावत कुरान है, खुदा की हम तो सदा है, मुस्तफा की नात पढ़ी जाती है। मकसद क्या होता है? मुर्दे को सवाब पहुंचे। सुबह तेरे आका फरमाते हैं जब तुम जनाजे की नमाज पढ़ लो, इबादत नहीं तुम, जब तुम जनाजे की नमाज पढ़ लो तो अपने मुर्दे के लिए तुम दुआएं करते रहो। अपने मुर्दों के लिए दुआएं करते रहो, अपने मैयत के लिए। अच्छा बचल है, बचा हुआ, वरना तो ऐसे वक्त में जहां डेढ़ घंटा दिन वर्षा ही पड़ेगा वहां दस टकिया रहेगा, आदमी ठिकाना नहीं रहता है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कभी है। बहुत अच्छा लगा इनको सुनने में ना, आइंदा मुझको भी बुलाइएगा तो अच्छा लगेगा, टाइम से मैं भी आऊंगा इंशाल्लाह, अच्छा रहेगा। और अभी इस वक्त टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस माशाल्लाह। कितने लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं? चाचा आप तो बहुत पहले उधर थे और खड़े थे, जाने की तैयारी के इधर बैठ गए। बोला आप नहीं जाएंगे। बोला कहा है? बोला नहीं, अब इरादा कैंसिल है। क्यों कैंसिल कर दिया? बोला सुबह बताइए। क्या बताइएगा? बोला चारों आदमी कुदार लेके आए हैं, सब मौलाना लोग को कुदार दे देंगे और खेत ले जाएंगे, तब समझ में आया। ये भी सोच रहे होंगे बहुत लोग जो खेती बाड़ी का समय है, इस वक्त पूरी रात इन्होंने वक्त ले लिया, कल मेरा काम कैसे होगा? लेकिन इंशाल्लाह वो काम भी तमाम होगा जिसमें मुस्तफा जाने रहमत का नाम होगा। अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप से मोहब्बत करते हैं? अरे बोले मैं माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। कितने लोग माँ बाप से मोहब्बत करते हैं? बोले या रसूल अल्लाह, माँ बाप की मोहब्बत में बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, वालिदैन से अकीदत करने वाले और जो लोग अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हैं उनके लिए एक पैगाम मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उससे कबल दुरूद शरीफ पढ़े, यहाँ से मेरी तकरीर शुरू हो। 10 मिनट सुनने के लिए तैयार है?
अरे सुनने के लिए तैयार है? तो जिनको दुरूद शरीफ याद है पूरा मजमा झूम कर दुरूद पाक का विर्द करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारी वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। साहिब खाना जिन्होंने मरहूम मकसूर जनाब अब्दुल गफूर साहब के इसाले सवाब के लिए उनके बेटों ने उनके पोतों ने उनके घर वालों ने उनके चाहने वालों ने इसाले सवाब के लिए पाकीजा महफिल का एहतमाम और इंतजाम किया है। अल्लाह ताला इसे कबूल अता फरमाए और मरहूम मकफूर को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। अच्छा एक चीज ये बताइए जनाब मरहूम मकफूर अब्दुल गफूर साहब किबला इस वक्त यहाँ है? यही है? अरे बोले भाई यहाँ है। कहाँ है? वो अपने असली ठिकाने में, अपने घर में, अपनी जगह में, अपनी कब्र में। अच्छा एक चीज ये भी बताइए, अच्छा पिलाई 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 अच्छा पिलाई तो मेरे वक्त में ये होना पहली बार थोड़ी ना, ये हमेशा होता है, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं। हाँ पिलाई ये जम करके पिलाई, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक से पीजिएगा और थोड़ा होश आवाज में, ऐसा ना हो कि हाथ में चाय की कप हो और हम बोले बोलो सुभान अल्लाह तो उठा दीजिएगा। सुबह घर भी जाइएगा तो पता चला कि कैसे जैसे पता चला ये सब तबाही में आ जाएगा। इसलिए बहुत इत्मीनान के साथ सुनिए, अब वक्त वो नहीं रहा है कि पूरी बात आप तक मैं पहुंचा सकूं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जनाब अब्दुल गफूर साहब जो आज से 40 दिन पहले इस जमीन के ऊपर मौजूद थे, आपने उसे देखा? अरे किसी ने उसे देखा था कि नहीं? देखा था। 40 दिन पहले हम लोगों के बीच में मौजूद थे, लेकिन अभी वो मौजूद, अभी वो मौजूद, वो कहाँ है? अपनी कब्र में है। 40 दिन पहले हम लोगों ने उसे देखा। देखे ना भाई आप लोग, 40 दिन पहले आप उन्हें देख रहे थे, अब उन्हें देख पा रहे हैं? अरे उन्हें आप देख रहे हैं? जोर से बोले देख रहे हैं। उन्हें नहीं देख रहे? अच्छा ये बताइए वो देख रहे हैं? अरे वो देख रहे हैं। पीछे वाले लोग बताए कि जनाब अब्दुल गफूर साहब जिनका विसाल हो गया, जिनका 40वां है, वो आप लोगों को देख रहे हैं, देख रहे हैं, एकदम कंफर्म है, देख रहे हैं। तो ये भी देख रहे हैं कौन कौन फांकी मार रहा है, ये नहीं देख रहे हैं कौन सोच रहा है, कौन चाह रहा है कि जल्दी जल्दी प्रोग्राम खत्म हो जाए, ये भी तो वो देख रहे होंगे। और कोई देखे या ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं कि कौन सुभान अल्लाह कह रहा है, कौन अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, कौन माशाअल्लाह कह रहा है। मदीने वाले आका देख रहे हैं। अरे लोगों याद रखो, जो आज इस जिक्रे पाक में आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो, अगर ये कहना आपको, आपका ये कहना अगर खुदा को पसंद आ गया तो यहाँ भी कामयाब और यहाँ के बाद वहाँ भी कामयाब हो। मुमताज भाई जिनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए मैंने हाजिरी की सआदत हासिल की है, गिनने की कोई जरूरत नहीं, 3 बजमन पहले ही है, जो गिनना है वो गिन चुके हैं। अब जरा डायरेक्ट लाके रखते यहाँ से जाओ और सब बढ़िया है ना, फिर ले नहीं जाइएगा? अगर ले जाइएगा तो ले जाइए, हाँ कोई दिक्कत नहीं, फिर ले जाइए, फिर लेके आइए, फिर ले जाइए, फिर लेके आइए। यार तो यही तो है, इसमें देखिए कोई टेंशन नहीं है, ले जाइए फिर ले आइए, लेकिन उससे बढ़िया वाला पहले रख लीजिएगा।
इसी ने ले जाते हैं, पहले रोग रख लेते हैं उसके बाद में ले जाते हैं, पहले हमको पास रखने की जरूरत नहीं माशाल्लाह, ले जाइए फिर ले आइए, ये मोहब्बत है। और ये नजराने अकीदत पेश करते हैं, और इतना जानिए कि आप जो दे रहे हैं कभी दिलबर शाही को, कभी कारी गया, कभी मौलाना गयासुद्दीन को, कभी साजिद रजा को, कभी शफीक भाई को, अलाउद्दीन भाई किगर शोरा खुतबा उलमा को दे रहे हैं, मौलाना अशरफ को दे रहे हैं, ये बताइए आपके देने से आपको फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है? आप लोग दे रहे हैं पैसा, फायदा हो रहा है? 500 रुपया लेकर के आए, 340 रुपया दे दिए, 340 रुपया आपके उलमा को दरमियान नज़्द कर दिया, दे दिया, कितना बचा आपके पास? कितना बचा? फायदा हुआ घटा हुआ? बोलिए ना, फायदा है घाटा है? अभी भी बोलिए, संभल के बोलिए, फायदा की घाटा है? फायदा है तो फिर इतनी देर कौन की है, जितना सब उठा दे, फायदा भी लेना कम काहे को लीजिएगा, पूरा लीजिए। हाँ फायदा है, मैंने कहा आपको किसने बताया? आपने जवाब दिया, मेरे खतीबो इमाम ने बताया, इन उलमा ने बताया, इन बुजुर्गों ने बताया कि अबू बकर सिद्दीक का कौल है, काला अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला मुआफक दिरहम अला जिक्र मौलूद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्ना, कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया है कि जो भी मेरे नबी की मिलाद में अपनी हैसियत के मुताबिक अगर एक रुपया भी खर्च करेगा तो खर्च करने वाला कल कयामत के दिन जन्नत में अबू बकर का दोस्त बन करके रहेगा। खर्च करने वाला घाटे में नहीं, खर्च करने वाला जोर से बोले, खर्च करने वाला फायदे में है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ भी खर्च कीजिए हर जगह फायदा नहीं है, वहाँ कहाँ घाटा भी है, खर्चा बहुत होता है। जैसे शादी ब्याह में नहीं देते नौजवान लोग, जब अपनी हम झोली हम उम्र की शादी होती है तो अलग से वो दावत देता, उसका भाई अलग दावत देगा, बाप अलग दावत देगा कि तुमको बारात जानी है, तुमको बारात जानी है, वो लड़का अलग से दावत देगा, प्राइवेट दावत। नौजवान लड़कों के लिए कहे तुम लोग को बारात चलना है तो दूसरा साथी बोलेगा नहीं 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 हम लोग नहीं जाएंगे, देखो नहीं जाएगा ना तो हमारी एमसेल्फी हो जाएगी, जाना पड़ेगा। बोला जाएंगे तब दूसरा तीसरा क्या बोलता, जाएंगे लेकिन खर्चा इंतजाम पहले कर देना। अरे कौन खर्चा लेता है, घूस लेता है कि बारातों जाने के लिए घूस है? बोला ना 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 वो बात नहीं है, थोड़ा वो बोला, समझ रहे ना? हाँ तो बारात जाएंगे तो हम जो है पूरा मौज मस्ती करते कैसे करोगे? बोला वही उला दे देना। अरे तुम टेंशन काहे लेता है, एक बोतल के क्या बात है, पूरा कटुन में लग दे देना। और उसके बाद में इन लोग के लिए अलग गाड़ी है, ये गाड़ी फुर पहले निकल गई और उधर जाकर के पहले अपना एकदम मस्त हो लिया। उसको क्या बोलते हैं, बगैर पढ़ा लिखा, एक पढ़ लिख करके बीओ साहब बनता है, वीडियो साहब बनता है, सीओ साहब बनता है, ये बेटा बगैर पढ़ ले वीडियो साहब बन गया। और उसके बाद में चला है जैसे वहां पहुंचा, जैसे डीजे ढूस ढास ढूस, इधर बेटा बाप भी अलग खुश। और जैसे वहां दिन दम शुरू हो गया, ये लड़का लोग लगता है कि हड्डी उड्डी नहीं स्प्रिंग पर है, अपने हिलने लगता है। कहा तुम नहीं हिल रहे हो, बोतला वाला जो इधर गया ना वो हिल रहा है। मुसलमान और जलसे में नारा लगाएगा हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, बोतला कहिया छोड़ेगा नहीं कुछ। हाँ मुसलमान है, अभी अंदर अभी तक तो नहीं, क्या करते हैं अभी? ये जिलिजा शरीफ का महीना है, पैसा खूब है, बहुत पैसा है। बोला इन साल खसी लिए हैं, तो खसी नहीं लीजिएगा, कौन सी लीजिएगा, बकरी लीजिएगा? बोला नहीं खसी लिए, ठीक ही है, अच्छा ठीक, कम दाम का नहीं लिए? तब 38,000 के खसी लिए हैं, 38,000 के खसी। वो खसिया चार चीजें दी,
दूसरा बोलता है उससे, अरे आप तो बहुत कम का लिए हैं, हम तो 50,000